चौहान टेक टीवी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर टेक टीवी पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी टेक टीवी पाकिस्तान। एहतशाम राणा टेक टीवी पाकिस्तान। वज़ीर आज़म मुखल्लफ किया गया। लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच टेक टीवी पाकिस्तान। कौकब फारूकी टेक टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाक फिजाई के बेड़े में जदीद लड़ाका तैयारे, G10C की शमूलियत, फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहिरा। इमरान खान ने कहा कि हमें अपनी मसल्ला पास्ट पर फख्र है, कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से नहीं देख सकता। पाक फिजाई ने भारतीय फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मार गिराया, DGISPR ने कहा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट 3 मिनट 24 सेकंड पाकिस्तानी हदूद पर रहा। फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर शाह महमूद कुरैशी की भारत को वार्निंग। दहशत नहीं फैलाना चाहता लेकिन हमारे पास इत्तलात अच्छी नहीं, वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा। सबसे ज्यादा खतरा मुझे और मौलाना फजल रहमान को है, कानून हाथ में लिया गया तो अगली बार दहशतगर्दी का पर्चा काटेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरीन ग्रुप के रहनुमा और साबिक वजीर अलीम खान की साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात, नून लीग में शमूलियत का इम्कान, वजीर आजम इमरान खान पंजाब में तब्दीली के लिए तैयार, मुस्लिम लीग काफ का दावा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, ग्रैंडपा हस्बैंड किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली, एक डोज से बेहतर इम्यूनिटी, एक डोज से सब फिट रहे ऑल डे लॉन्ग नेचुरली, ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, हेल्दी लिविंग फॉर द होल फैमिली। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन, और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। पाक फिजाइया के बेड़े में जदीद लड़ाका तैयारे J-10C शामिल कर लिया गया। इमरान खान का कहना था कि दुनिया को पैगाम गया है कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत करना जानता है। J-10C का डिस्प्ले देखकर मजीद एतमाद आ गया है, कोई भी हम पर किसी किस्म का दबाव नहीं डाल सकता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हमें अपनी मुसल्ला अफवाज पर फख्र है, पाकिस्तान मुस्तहकम होता जा रहा है, मुल्क की सिम्त दुरुस्त और मईशत बेहतर हो रही है, कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से नहीं देख सकता। पाक फिजाइया के बेड़े में जदीद लड़ाका तैयारे J-10C शामिल कर लिया गया। इस मौके पर फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा भी किया गया। J-10C तैयारा फिजा से जमीन और समंदर में टारगेट करने की सलाहियत रखता है। तकरीब में चीनी साख्ता लड़ाका तैयारे J-10C की गरजदार आमद से हाजरीन दम रह गए। J-10C तैयारा फिजा से जमीन और समंदर में टारगेट करने की सलाहियत रखता है और इसे वैग्रेस ड्रैगन भी कहा जाता है।
दूसरी जानब पाक फिजाइया के शोबा तालुकात आमा ने फिजाई बेड़े में J-10C जहाज़ों की शमूलियत की मुनासबत से मिली नफा जारी कर दिया है, जिसमें पाक फिजाइया के बहादुर शाहीनों को खराज तहसीन पेश किया गया है, जो दिफाए वतन के लिए हमा वक्त चौकस व तैयार हैं। वजीर आजम का कहना था कि पुलवामा के बाद बालाकोट पर हमला हुआ, इस पर पाकिस्तान का रद्द अमल दुनिया ने देख लिया। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है, कोई भी पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। वजीर आजम ने कहा, आज़ाद मुल्क खुददार उस वक्त रह सकता है जब वो अपनी हिफाजत कर सके। अल्लाह का करम है कि हमारी रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियां दी। उनका मजीद कहना था कि हमारी पहली तरजीह मुल्क से गुर्बत का खात्मा करना है। जैसे जैसे दौलत बढ़ती जाएगी हम अपने दिफा को मजीद मजबूत करेंगे। असल ताकत यही है कि आपको जंग ना लड़नी पड़े, क्योंकि दुनिया को पता है हम दिफा कर सकते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए पाक फिजाइया के सरबरा जहीर बाबर सिद्धू का कहना था कि टेक्नोलॉजी, जदीद हथियारों और दीगर दिफाई शोबों में चीन की मावनत काबिले तारीफ है। J-10C की पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत से दिफाई सलाहियत मजीद मजबूत होगी। पाक फिजाइया ने हर मुश्किल में वतन की हिफाजत का अजम किया है। आज का दिन पाक फिजाइया के लिए अहम है। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जमान पाकिस्तान फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तखार ने कहा कि 9 मार्च को मियां चनू में वाकया पेश आया, जहां एयरफोर्स ने भारत से आने वाला फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस चीज की मुकम्मल मॉनिटरिंग की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तखार का कहना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने मियां चुन्नू में भारत की जानिब से आने वाले फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिरा दिया है। मेजर जनरल बाबर इफ्तखार ने कहा कि पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हैं, हादसे की वजह जो भी हो भारत को जवाब देना होगा। वाकये से मुतालिक मजीद तहकीकात जारी है। भारत की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई। DGISPR ने कहा कि इस मामले में कई चीजें वजाहत तलब है। भारत से सुपर सॉन्ग चीज पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर आई। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट 3 मिनट 24 सेकंड पाकिस्तानी हदूद में रहा। रफ्तार और फासला तय करने की सलाहियत से लगता है मिसाइल था। भारत को वजाहत देना होगी ये किस किस्म की चीज थी। DGISPR ने कहा, हमारी कैसी तैयारी है अंदाजा लगा सकते हैं। आप दोस्त को तलाश किया, वार्निंग देकर वापस भेजा। मिसाइल हवा में था और हमने तलाश करके उसे भी गिरा दिया। सबको मालूम होना चाहिए पाकिस्तान की हदूद की तरफ आने वालों पर हमारे नजरिए पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट से निमटने के लिए तैयार हैं। एज फार एज हमारी प्रेपरेशंस क्या हैं, जैसे आपको वाइस मार्शल साहब ने बताया कि राइट फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये पाकिस्तान इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर था इंडिया में, बट वहाँ पे भी हमने इसको पिक कर लिया राइट फ्रॉम द स्टार्ट। वी कंटिन्यूसली कैप्ट मॉनिटरिंग एंड द मोमेंट इट स्टार्टेड टेकिंग अ टर्न टुवर्ड्स द पाकिस्तानी टेरिटरी, उसी वक्त जो भी हमारे टैक्टिकल और टेक्निकल एक्शंस थे SOPs के मुताबिक वो इन प्लेस हो गए थे। टोटल जो इसका टाइम था जो ये पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर रहा वो 3 मिनट और तकरीबन 24 सेकंड था। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत की जानिब से फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी से मुतालिक बयान में कहा कि ये दूसरी बार हमारी फिजाई हदूद के खिलाफ वर्जी हुई है। इस सिलसिले में भारतीय नाजिमुल उमूर को दफ्तर खारजा बुलाकर वजाहत तलब की। वज़ीर दाखला शेख रशीद ने कानून हाथ में लेने वालों को याद करा दिया कि कोई लीडर कानून से बड़ा नहीं है। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि जो कानून को हाथ में लेगा कानून उनको नहीं छोड़ेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शेख रशीद का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ जो वाकया हुआ उसकी मुज़म्मत करते हैं। अक्टूबर 2019 में अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी लगाई गई। हमारे पास इत्तेलात अच्छी नहीं है। सबसे ज्यादा खतरा मौलाना फजल रहमान और शेख रशीद को है। JUI के MNEs अपनी मर्जी से साथ गए। हमने FIR में कोई झूठी दफा नहीं लगाई। लॉजिस में 362 अराकीन की फैमिलीज रहती हैं। 50 अफराद को लॉजिस में दाखिल किया गया। 5 घंटे हमने मुज़ाकरात किए। उन्होंने मजीद कहा कि निजी मिलिशियास ने पुलिस पर तशद्दुद किया। 5 अफराद जख्मी हुए। हमने किसी के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनाया। कामरान मुर्तजा ने पुलिस से मुतालिक इंतहाई गलीज जबान इस्तेमाल की और बहरा कहू में दहशतगर्द ग्रुप गिरफ्तार किया गया। 5 घंटे हमने इनसे, इन्होंने MNS आ गए सलाउद्दीन साहब और जमालुद्दीन साहब, हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया। वो अपने शौक में थाने में बैठे हैं।
अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए बैठे हुए हैं। शेख रशीद ने कहा कि ओपोजिशन के पास 172 लोग नहीं हैं, इसलिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। फजल रहमान को पहले भी इस्तेमाल किया गया और अब भी वो इस्तेमाल हो रहे हैं। JUIFA के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने कहा कि रिहाई ना मिलने की सूरत में हमने दोबारा सड़कों पर आने के लिए फैसला किया था, लेकिन अब उसकी ज़रूरत बाकी नहीं रही। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वाकये की गलत तस्वीर और झूठ पर मबनी बयानियाँ कौम के सामने रख कर तारीख के सफात पर अपने सियाह किरदार की पर्दापोशी की भोंडी कोशिश की। लंदन में मुलाकात के दौरान अलीम खान ने नवाज शरीफ को बताया कि उनके साथ 3 साल में क्या होता रहा और उनकी अपनी जमात PTI ने उनको किस तरह निशाना बनाया, इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अलीम खान ने लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। उनकी नून लीग में शमूलियत का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार और नवाज शरीफ के बेटे भी मुलाकात में मौजूद थे। अलीम खान की नवाज शरीफ से बुध के दिन 3 घंटे तवील मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात का अहतमाम मुश्तरका दोस्तों ने किया। ज़राए का बताना है कि अलीम खान ने लंदन आने से कबल शहबाज शरीफ से भी लाहौर में मुलाकात की थी। मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगु हुई। अलीम खान ने नवाज शरीफ को बताया कि उनके साथ 3 साल में क्या होता रहा और उनकी अपनी जमात PTI ने उनको किस तरह निशाना बनाया। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक TV। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.